आगरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 84 हो गई और आज 19 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद इस संख्या में इजाफा। 2 मार्च को आगरा में पहला मामला सामने आया था और उसके बाद आज तक सिर्फ 8 लोग ही ठीक हुए हैं। वहीं आगरा में 22 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां कोई आ जा नहीं सकता। महाकर्फ्यू वाले इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता शिव चौहान ने। जनपद आगरा में आज के 19 नए केस को लेकर के टोटल केस 84 हो गए हैं। उस 84 में से एक्टिव पॉजिटिव केसेस जनपद में आज के डेट में 73 हैं। इस 73 में से हमारे टोटल जो हमने अपने एपी सेंटर या हॉटस्पॉट बनाए थे, वो उनकी संख्या टोटल 26 थी। उस 26 में से 4 हमने अपने एपी सेंटर को क्लोज कर दिया था, 22 लाइव थे। आज जो रिजल्ट आया है उसमें जो हमारे जो नंबर 5, 6 और 7 के एपी सेंटर थे, उनके भी सबके रिजल्ट आज नेगेटिव आए हैं। अगले 48 घंटे इंतजार करके उनको फिर वेट किया जाएगा, लेकिन इस एपिसेंटर पे काम खत्म हो गया है। ताजनगरी आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज आंकड़ा 84 पर पहुंच गया। कल जो आंकड़ा 65 था, आज 19 नई मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिससे आंकड़ा 84 हो गया। इसको लेकर आगरा प्रशासन के चेहरे पर चिंता की लकीर देखी जा रही है। हालांकि आगरा प्रशासन ने उन इलाकों को, जिन इलाके में पहले से कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे, उन इलाकों को चिन्हित किया और उन हॉटस्पॉटों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। कल शासन का आदेश आया कि जिन इलाकों में जो प्रभावित क्षेत्र हैं कोरोना संक्रमित से, उन इलाकों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए। आगरा में ऐसे 22 हॉटस्पॉट प्रशासन ने चिन्हित किए हैं, जहाँ कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। मैं इस वक्त एक बैरिकेडिंग पे खड़ा हूँ। यह इलाका इत्मौदवाला इलाके में पड़ता है, जहाँ सीतानगर से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। इसको देखते हुए यह इलाका पूरी तरह से सील कर दिया है। आगरा प्रशासन की माने तो वो इलाके जो चिन्हित किए हैं 22 हॉटस्पॉट, उन इलाकों में न कोई जा सकता न कोई आ सकता, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता। और जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं उन इलाकों में पेट्रोल पंप, बैंक और जो आवश्यक सेवाएं देने वाले जो संस्था हैं, वो सभी तरह पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। यहाँ तक कि न वहाँ मीडिया जा सकती है और ना ही वहाँ न्यूज़पेपर पहुँचेगा। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है आगरा में कि लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए खुद प्रशासन, SSP, आगरा जिलाधिकारी सड़कों पर हैं और आज इसका असर देखने को मिल रहा है। वैसे तो लॉकडाउन आगरा में है, लेकिन आज और प्रभावी कर दिया है। आप देख सकते हैं जो बैरिकेटिंग और सीलिंग की कार्रवाई की गई है, वहाँ कोई भी नहीं आ सकता। पुलिस यहाँ और बढ़ा दी गई है। लोगों को यहाँ समझाया जा रहा है कि आप यहाँ अंदर न जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस लगातार अब आगरा में फैलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आंकड़ा आगरा का ही है। जो आगरा कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन, पुलिस प्रशासन बेहद गंभीर दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि आगरा के लोगों से जो अपील की जा रही है, वो अपील लोगों पर कितना असर डालेगी। शिव चौहान, आगरा, RNIDB, उत्तर प्रदेश।